वहाँ पे बैठने के लिए आई हैव टू अर्न दैट स्पेस. तो मैं बस यही कहूँगी, उनका आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे. मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी पर उड़ी बाबा कर आगे नहीं बढ़ूंगी और फ्रंट बेंचेस पे नहीं आऊँगी. निर्मला सीतारमण जी इस तरीके का बजट बनाते रहें तो शायद हम लोग उस तरफ पाए जाएंगे. इस तरफ निर्मला सीतारमण जी अगला बजट क्रिटिसाइज करेंगी. सपना हो हकीकत बनाना भी हम जानते हैं. सर, शुरुआत करने से पहले मैं कल जब मैं अपने फ्लो लीडर के साथ बैठी थी वहाँ पर, उपराष्ट्रपति जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी. उन्होंने मुझे कहा था वहाँ पे बैठने के लिए आई हैव टू अर्न दैट स्पेस. तो मैं बस यही कहूँगी, उनका आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे. मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी पर उड़ी बाबा कर आगे नहीं बढ़ूंगी और फ्रंट बेंचेस पे नहीं आऊँगी. और दूसरी चीज़ कहूँगी सर, निर्मला सीतारमण जी इस तरीके का बजट बनाते रहें तो शायद हम लोग उस तरफ पाए जाएंगे. इस तरफ निर्मला सीतारमण जी अगला बजट क्रिटिसाइज करेंगी. सर, सबसे सपना हो हकीकत बनाना भी हम जानते हैं. सर, सबसे पहले तो वित्त मंत्री ने सातवां अपना कंसेक्यूटिव बजट दिया, तो मैं उनसे कहूंगी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी. साथ ही साथ उन्होंने एक और इतिहास रचा है. उन्होंने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत ये बजट को पेश किया है. और प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना तो है ही, पर महाराष्ट्र विरोधी ये बजट है और इसके लिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं करती हूँ. जैसे ही हमने महाराष्ट्र विरोधी बजट बोला, हम पे आरोप लगने लग गए कि एक पोर्ट, वाधवान पोर्ट के लिए 76,000 करोड़ का आवंटन हुआ है. सर, मेरे पास डिमांड फॉर ग्रांट्स है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज की. इसमें कहीं भी ये लोग सब जो महाराष्ट्र के हित में बात करने की बात करते हैं पर महाराष्ट्र विरोधी हैं, बता दें कहाँ पे इसका प्रोविजन, 76,000 करोड़ का प्रोविजन इसमें बजट में हुआ है. तो ये भी झूठ महाराष्ट्र को परोसा जा रहा है. सर दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगी, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है. मुंबई के बारे में भी कहा, कोस्टल रोड दिया, ये दिया, वो दिया. सर, तीन महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं मुंबई में. एक है BMC, जिसका चुनाव 2 साल से ही नहीं हुआ है. वो मंत्री जो हैं वहाँ के, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और खुली लूट मचाई हुई है. 2023 में BMC से शुरुआत करूंगी सर. 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,080 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट आकर उद्घाटन करते हैं. उसमें से एक भी प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है. 2023 की बात कर रही हूँ. 2024 में फिर से 6,000 करोड़ का टेंडर आता है और उन लोगों को दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता है जो ब्लैकलिस्टेड हैं. तो आप ये समझिए कि पूरा जो कॉर्पोरेट, ये जो कॉर्पोरेटर और बीएमसी का और ये कॉन्ट्रैक्टर्स का नेक्सस है, वो इनके अंतर्गत फल फूल रहा है. दूसरा सर मैं बताना चाहती हूँ किस तरीके से बीएमसी का बताया मैंने. एक MSRDC है, कोस्टल रोड की कोई बात कर रहा था. सर, 2017 से नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड बन रहा है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है. 6,700 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है पर अब तक 2 कॉन्ट्रैक्टर बदल चुके हैं, कोई उस पर काम नहीं हुआ है. सर, हाईवे की, हाँ वहीं से ही होंगे, आजकल तो सब कुछ गुजरात ही जा रहा है. सर 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 एक सेकेंड. दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो फ्रंट बेंचर हमारे बड़े एक्सपीरियंस महाराष्ट्र के MP हैं, उन्होंने कहा हाईवेज तो ऐसी बनी है कि हम लोग सर्राटे से चल लेते हैं. सर, मुंबई गोवा हाईवे नेशनल हाईवे है, मुंबई नासिक हाईवे और मुंबई अहमदाबाद हाईवे की पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ. ये है हाईवे टू हेल. सर सर, ड्रोन कैमरा से पिक्चर ली है. प्लीज, यू कैन नॉट. मैं सर, मैं हटा देती हूँ. आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, आप सस्पेंड कर दीजिएगा यहाँ पे. पर प्लीज, हटा दिया सर. पर आपको मैं हटा दिया सर. मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसमें हाईवे ढूंढ लीजिए. उसकी मैं खुली चुनौती इनको देती हूँ. तो ये जो करप्शन हो रहा है महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र के हित के खिलाफ, उसको मैं सामने लाना चाहती थी. सर, वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो खुद उद्धव वाला साहब ठाकरे जी जो अपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने उसका उजागर किया है कि कैसे धारावी रीडेवलपमेंट के अंतर्गत भ्रष्टाचार हो रहा है और लैंड जो है, मुंबई की जो लैंड है वो ले ली जा रही है. सर, महाराष्ट्र से आती हूँ इसलिए एक और चीज़ यहाँ पे कहनी पड़ेगी. बार बार 76,000 करोड़ का हवाला दिया जा रहा है. 4 लाख करोड़
चार लाख करोड़ की जो 17 इंडस्ट्रीज थी जो महाराष्ट्र में आने वाली थी वो महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात भेज दी गई। ये सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र विरोधी काम हुआ है वो इनकी सरकार ने किया है। सर 17 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो जो किसान हैं, जो बार बार कहा गया यावतमल में सबसे ज्यादा किसानों की हत्या मौतें हुई हैं, वो जो लोन्स जो जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। 2023 में ही 17 कोऑपरेटिव बैंक्स बंद पड़ गए। सर बस रैप अप ही कर रही हूँ। लास्ट एक चीज, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र पे ही टिके रहना है क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर बहुत अनर्गल बयानबाजी हुई है। सर लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। महाराष्ट्र बजट में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है। सर 2014 में स्टेट का जो डेट था 2.8 लाख करोड़ था, इनके आने के बाद 2024 में 9.8 लाख करोड़ हो गया है, वो भी महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात कर अपनी राजनीति के चलते ये अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने दो शब्द खत्म करूंगी। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, फिर से आभार व्यक्त करूंगी और इस बजट का मैं पूरी तरीके से विरोध करूंगी क्योंकि महाराष्ट्र विरोधी बजट।